खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां हनुमना जनपद क्षेत्र अंतर्गत सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन सिटी से संबद्ध आशा सहयोगी यूनियन द्वारा हनुमना विकास खंड में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को रैली निकालकर अपनी मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में आशा ओसा को 10,000, आशा पर्यवेक्षक को 15,000 का निश्चित वेतन देने, पर्यवेक्षकों को कर्मचारी का दर्जा देने, सभी प्रकार के प्रोत्साहन राशि में सुनिश्चित करने, सभी प्रकार के भुगतान माह में 5 तारीख तक करने, स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने की मांग को उठाया। इस दौरान आयोजित सभा में सीटू के जिला संयोजक सहित कई लोग शामिल रहे। मुख्य मांगों में मिशन संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर आशा को 10,000 एवं पर्यवेक्षक को 15,000 वेतन निश्चित किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में की जा रही कटौती बंद की जाए। कोरोना काल में आशा सहयोगियों द्वारा की गई ड्यूटी का वेतन भुगतान किया जाए। हनुमना ब्लॉक में 2 मार्च से आशा पर्यवेक्षक के 1,500 रुपए प्रति माह काटे जा रहे हैं, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। आशाओं की मीटिंग में पर्यवेक्षक के वास्तविक यात्रा व्यय का भुगतान किया जाए। आशा एवं पर्यवेक्षकों को वेतन सहित 20 कैजुअल अवकाश एवं मेडिकल लीव का ठोस नियम बनाया जाए। आशा एवं पर्यवेक्षकों को शासन के कुशल श्रेणी के न्यूनतम वेतन की दर पर 6 माह का मातृत्व अवकाश एवं अन्य सुविधाएं दिया जाए। काफी संख्या में संगठन के आशा एवं संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मैं आशाओं की नेता हूँ और यहाँ तक कि दिल्ली भोपाल में भी इसके कार्यक्रम में पहुँचती हूँ, इसलिए मैं अपने बहनों को आश्वासन देने आई हूँ, उनकी मांगों के बारे में बताने आई हूँ कि हम लोग किस तरह हड़ताल करें और किस तरह हम कामयाब हों और संगठन को मजबूत बनाएं। और हमारी मांगे हैं कि हमारी आशा बहनें दिन रात काम करती हैं, मगर उनको 2,000 रुपये किस रूप में दिया जाता है, वो क्या है हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि 2,000 रुपये में एक न कर्मचारी का दर्जा है न कभी मजदूर का दर्जा है। इसलिए हम लोग ये हड़ताल में बैठे हुए हैं 6 दिन की, अभी वाले 1 हफ्ता की। इसके बाद अगर ये 10,000 अभी न्यूनतम वेतन हम लोग को नहीं, उसमें 10,000 की मांग है 26,000 की, मगर अभी हमारे जानते हैं कि इकट्ठा किसी को नहीं सताते, इसलिए हम लोग तो सहनशील हैं, इसलिए 10,000 मांग रहे हैं अभी और पर्यवेक्षक को 15,000, मगर उसके कान में जू नहीं रेंग रहा सरकार के, तो हमारी बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए आप लोग के माध्यम से। और हमारी जो बहनें पर्यवेक्षक हैं वो गांव-गांव दौड़ती हैं, उनके लिए जो गाड़ी का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, उनके दौड़ने के लिए व्यवस्था है, उनको कहीं मान लीजिए बीच में जा रही हैं अपने बच्चों को, पति को, घर को, सास को, और कहीं दुर्घटना हो गई, दुर्घटना बीमा क्या कर कहते हैं, बीमा किसको कहते हैं, जिसको कटाते हैं पैसा हम लोग के खाते से उसको बीमा मान, हम वो नहीं मानते, हमारी बीमा स्वतः सरकार करे, क्योंकि हम सरकार हमको गोद ले रखी है। आशा शासकीय मान्यता प्राप्त हम लोग को बताया गया, मगर किस कारण बताया गया, क्या मिलता है हम लोग को? आप लोगों के द्वारा कई बार मांगे की गई है, अरे आश्वासन दिया गया है जी, अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है, सरकार से क्या आप चाह रही हैं? हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं अभी, मगर जब हम अपनी असली रूप में आएंगे तो हम आपातकालीन हड़ताल करेंगे और कोई काम जो मातृत्व दर में कमी आई है वो सब में बढ़ोतरी करवा देंगे, क्योंकि हम लोग काम ही नहीं करेंगे, हमारी बहनें कोई काम ही नहीं करेंगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये मांगे वहां तक पहुंचाइए और हमारी जो 10,000 की मांग है वो हमारी पूरी होनी चाहिए और हमारी पर्यवेक्षक की 15,000 की मांग पूरी होनी चाहिए, और आगे फिर नहीं मांग पूरी होती और हमारे बीमो साहब के द्वारा जो मांगे गई है वो नहीं पहुंच पाता, इसके आगे फिर हम लोग खुद सोचेंगे, हमारी संगठन सोचेगी, हमारी सीआरटी सोचेगी, हमारी दिल्ली भोपाल की नेता लोग सोचेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने ये बात बोली जा रही हूँ, दोबारा इतनी आशाएं हैं और पहली बार दोबारा मैं इसका तिगुना चौगुना यहाँ पे आपातकालीन हड़ताल करेंगी, यहीं पे डेरा डालेंगी, डेरा और गंजा लेके बैठेंगी और दाल चावल चुराएंगी, यहीं बैठ के पड़ाव डालेंगी, काम बंद, हड़ताल होगी आगे, यही हमारी बोले तो